आज की इस वीडियो पर हम कॉपर बेस फंगिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएल कंपनी का कोप्रोफिक्स फंगिसाइड, जिसमें कॉम्बिनेशन है मैंकोजेब 30% प्लस कॉपर सल्फेट 47.15%, जो कि एक WDG फॉर्म में आती है, यानी वेटेबल डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है। और जानकारी के लिए बता दें कि जो कोप्रोफिक्स फंगिसाइड आती है या फिर मैंकोजेब कॉपर सल्फेट युक्त फंगिसाइड आती है, यह एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और ट्रांसलेमिनार इसमें एक्शन है और साथ ही फंगस पर प्रिवेंटिव अच्छा रिजल्ट देती है। बात करते हैं कौन कौन सी फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो टमाटर, खीरा, तरबूज, अंगूर, सोयाबीन, आलू, बीन्स पर आप स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट ब्रोडेक्स मिश्रण होने के कारण यह लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यूड, लीप स्पॉट ब्लाइट और ब्लैक स्पॉट पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आलू और टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट, अंगूर और खीरा ककड़ी पर डाउनी मिल्ड्यूड, अंगूर खीरा करेला पर डाउनी मिल्ड्यूड पर अच्छा रिजल्ट है। साथ ही मूंगफली सोयाबीन पर लीप स्पॉट और साथ ही टमाटर आलू पर ब्लाइट और ब्लैक स्पॉट मूंगफली पर यह रोकथाम करता है। बात करते हैं रिकमेंडेशन डोज के बारे में, तो 15 लीटर पानी में 50 से 60 ग्राम स्प्रे करना चाहिए और एक एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी में 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। और इसका प्राइस जो कॉपर बेस फंगिसाइड होती हैं उनका प्राइस सस्ता होता है, कम होता है अन्य फंगिसाइड की तुलना में। तो 1 kg का पैक मार्केट में 600 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। UPL कंपनी का कोप्रोफिक्स फंगिसाइड प्रिवेंटिव अच्छा काम करता है और इसकी रेन फास्टनेस की बात करें तो कम से कम 1 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। और साथ ही रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो 12 दिनों के आसपास, 12 से 13 दिनों तक हमको रिजल्ट प्राप्त होते हैं। कोप्रोफिक्स फंगिसाइड को आप NPK के साथ, साथ ही अन्य फंगिसाइड के साथ, कीटनाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के साथ भी आप चाहे तो मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट के साथ भी आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। याद रखने योग्य बात यह है कि जो मैंकोजेब और कॉपर सल्फेट बेस फंगिसाइड आती हैं, यह केवल और केवल आप लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट ब्लाइट और ब्लैक स्पॉट पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, वह भी रोग आने से पहले, यानी प्रिवेंटिव अच्छा काम करता है। रोग ना आए तो आप ऐसी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।